नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें आपकी भर्ती है 6 से 8 की, यानी कि जूनियर वर्ग की भर्ती है। तो इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, सब कुछ वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो में मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो भर्ती आपकी है ये 6 से 8 के लिए हमने इसमें लिया है, और इनका जो क्वालिफिकेशन होगा वो इस प्रकार होगा। देखिए, मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि 6 से 8 विद्यालय के अध्यापक की जो विषयवार निम्न पद होंगे, ठीक है, कक्षा 6 से 8 में निम्न पदों के लिए फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, एवं गणित एवं विज्ञान विद्यालय अध्यापक के लिए, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के लिए और भाषा विद्यालय अध्यापक के लिए फॉर्म इसमें अप्लाई किए जाएंगे। उसके बाद देखते हैं नियुक्त हेतु जो इसमें ज्वाइन करेंगे उसके जो शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी, ठीक, स्नातक होना चाहिए किसी विश्वविद्यालय से जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री हो, और प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक, ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। इससे मान लीजिए आपके पास डीएलएड का डिप्लोमा है और आप ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए दिया गया है कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक हो और स्नातकोत्तर तथा बीएड हो, आपके ग्रेजुएशन में 50% अंक आए हों, उसके बाद या तो आप क्या हों पोस्ट ग्रेजुएट हो उसके साथ में आपका बीएड हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जूनियर में डीएलएड वाले और जिनके पास बीएड है दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसका देखेंगे यहाँ पर नीचे लिखा गया है न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक 45% हो आपके ग्रेजुएशन में, एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय का स्नातक, पहले 1 वर्षीय का जो आपका होता था बीएड वो भी इसमें अप्लाई कर दिए गए हैं, जो इस संबंध में समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है साथ में आपके पास बीएड भी है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं और क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, और यहाँ पर देख सकते हैं न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, अगर आप लोगों ने 50% यानी कि कक्षा 12 में आप लोगों ने 50% अंक हैं, एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड, और उसके बाद आप लोगों ने 4 वर्ष का एक होता है बीएलएड का कोर्स, ठीक है, वो किया है तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा देखिए यहाँ पर दिया गया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक इंटर में आपके 50% अंक हों, एवं 4 वर्ष का आपका बीए हो, बीएसएडी होता है, या होता है बीएड 4 साल का, या होता है बीएसएडी, अगर आप लोगों ने ये किया है इंटर के बाद 4 साल का तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद देखते हैं इसमें न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक, या तो आपके पास स्नातक हो 50% अंकों के साथ, एवं 1 वर्ष का पहले होता था बीएड वो हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए दिया गया है न्यूनतम 55% अंकों के साथ या उसके समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर एवं 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपके पास बीसीए हो, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा चाहे जिस किसी भी नाम से जाना जाता हो, बीएड, बीएड विशेष, न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उसके समकक्ष ग्रेड के साथ एमएससी, और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड या एमएड हो तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि विनिमय 2014 के तहत इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो तथा बीएड हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए बीटेक वालों को भी मौका मिल गया, अगर उन्होंने बीटेक के बाद बीएड कर रखा है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम इसके, देखिए जो बायोटेक करते हैं कुछ लोग, तो बीएससी हो या बायोटेक हो या बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स हो या बी उसके बाद बीएड हो तब भी उसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है वर्ग 6 से 8 के भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा ऑनर्स आनुषंगिक विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो, जिन लोग भाषा के हैं साथ शिक्षक
उनके लिए वो भाषा पठित हो। यथा संस्कृत भाषा के शिक्षक संस्कृत में स्नातक, शास्त्री की उपाधि उर्दू शिक्षक के लिए आलम की उपाधि तथा उर्दू में स्नातक, जिस भी विषय हो उससे उसका स्नातक होना चाहिए। फिर देखिए दिया गया वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पढ़े हैं तब भी उसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसका देखिए वर्ग 6 से 8 के गणित एवं विज्ञान के विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित हो, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पर दिया गया है परंतु में शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा एवं बीएड विशेष शिक्षा के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम मान्य होगा। ऐसी योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा। संबंधित विद्यालय अध्यापक को इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने हेतु 0-6 महीने तक का संवैतनिक अवकाश मान्य होगा, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग बिहार के पात्रांक 22-23 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीएलएड की उपाधि मान्य नहीं होगी। जो 18 महीने का आपका डीएलएड था उसमें मान्य नहीं होगा, जो 2 साल का पूरा होता है वो मान्य होगा। फिर यहाँ पर देखिए लिखा गया है कक्षा 6 से 8 तक के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हतांक यानी कि छूट दी जाएगी, 5% की छूट यहाँ पर दे होगी, ठीक है। उसके बाद सामान्य विषयों के लिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 9 से कक्षा 10, कक्षा 6 से कक्षा 10 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता ये होना चाहिए। विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक व स्नातक अथवा समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक बीएड, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम 45% अंकों सहित अधिसूचित राष्ट्रीय के लिए आवेदन पत्र जमा करने के समय सीमा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण, ठीक है। उसके आधार पर आप देख सकते हैं नए पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनिमय 2002-10/12/2007 के अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मानदंड विनिमय 2007 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड, या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से निर्दिष्ट विषय समूह से बीएड व बीएससीएड की 4 वर्ष की उपाधि। तो इतने लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब हम देखते हैं जो 6 से 8 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा, उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आए हैं वहाँ तक हम चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए जो आपका नोटिफिकेशन है ये 6 से 8 के लिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालयों के अध्यापकों के लिए 6 से 8, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले जो आपका पेपर होगा वो 2.5 घंटे का टाइम दिया गया। कितने घंटे का होगा? 2.5 घंटे का। कुल प्रश्न आपके होंगे 150। कितने प्रश्न होंगे? 150 होंगे, और 150 अंक के होंगे। पेपर जो है आपका वो 3 भागों में बटा होगा। कितने भागों में बटा होगा?
तीन भागों में बटा होगा। पहला पेपर आपका जो होगा 30 नंबर का लैंग्वेज का होगा, उसके बाद आपका 40 नंबर का पेपर जनरल साइंस का होगा, उसमें सारे क्वेश्चन होंगे साइंस के, इतिहास, भूगोल सबके। उसके बाद जो 80 नंबर का पेपर होगा ये आपका मेन पेपर होगा, यानी कि जिस सब्जेक्ट से आपने भरा है मैथ साइंस, जिस भी सब्जेक्ट से उसके क्वेश्चन इसमें होंगे। जैसे जिन लोगों ने साइंस लिया तो उसमें मैथ साइंस के क्वेश्चन होंगे। जो आपकी कट ऑफ निकल कर आती है वो कट ऑफ आपकी दोनों सब्जेक्ट से, यानी कि जीएस के 40 नंबर और 80 नंबर जो आपके सब्जेक्ट आते हैं, इन दोनों को मिलाकर 120 नंबर हुए। इनमें से जितने नंबर आएंगे उसमें आपकी कट ऑफ बनेगी। वहीं पर अगर बात की जाए लैंग्वेज पेपर के, उसमें क्वालिफाइड नंबर होने चाहिए 30 का 30%, यानी कि 30 में से अगर 9 नंबर आपके हैं तो आप लैंग्वेज में क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, हम थोड़ा जूम किए दे रहे हैं, इससे आपको पूरा आसानी से समझ सकें। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला पेपर भाषा अर्था का होगा। अर्था मतलब केवल क्वालिफिकेशन, आपको क्वालिफाइड करना है। यहाँ देखिए दिया गया है, फर्स्ट भाग 30 नंबर का होगा जो क्वालिफाइंग मोड होगा, भाग दो 40 नंबर का जीएस के क्वेश्चन, भाग तीन आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पर रखे जाएंगे। 2.5 घंटे का प्रश्न होगा, 150 अंक का पेपर है। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए वर्ग 6 से 8 के लिए दिया गया है। यह पत्र 3 भागों में होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 भाषा अर्था मतलब क्वालिफाइड के लिए अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, इस भाग में अर्थांक कम से कम 30% होना चाहिए। मतलब क्वालिफाइंग मोड कितना होना चाहिए, 30%, और 30 का 30% कितना होता है, 9 अंक, यानी कि 9 लाएंगे तो इसमें आप पास। फिर देखते हैं नीचे क्या दिया गया है। भाग 2 पेपर यानी कि सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित होगी, इसमें सामान्य जागरूकता होगी, सामान्य ज्ञान होगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल इसमें शामिल होगा। फिर आगे देखते हैं भाग 3। भाग 3 देखिए दिया गया, मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, या तो गणित विज्ञान, अगर आप साइंस लेंगे या मैथ लेंगे उसमें दोनों क्वेश्चन होंगे, गणित के और भी विज्ञान के 80 क्वेश्चन, फिर सामाजिक विज्ञान होगा, फिर हिंदी होगा, फिर उर्दू होगा, फिर संस्कृत होगा, फिर अंग्रेजी होगा। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्ग 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में किसी एक विषय का चयन करेंगे, और यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन ए में भूगोल विषय का चयन करते हैं तो सेक्शन 2 में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा गया है, उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT NCERT से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवारों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्थक के आलोक में होगा। ठीक, यानी कि आप जूनियर का पेपर तो दे रहे हैं लेकिन क्वेश्चन जो आपके आएंगे, जितना आपका क्वालिफिकेशन है यानी कि BEd या DLED वहाँ तक के क्वेश्चन इसमें आने की संभावना है। तो इस प्रकार जो आपका सिलेबस या एग्जाम पैटर्न था वो जूनियर के लिए यानी कि 6 से 8 वालों के लिए था। आई होप आप लोग को वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।